तो दोस्तों आप सभी के सामने जो है रूबरू आ चुका हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत सारा जो है प्रोसेस लगा हुआ था, दुकान बन रहा था, घर बन रहा था, उसी में शादी था, तो फिर से मैं रिटर्न आ चुका हूँ आप सभी का जो है कमेंट का रिप्लाई लेकर, जवाब लेकर। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है कमेंट को पिक किया हूँ और आप सभी को जो है डिप्टी में बताया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसी के रिलेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ, सिलाई और कटिंग और डिजाइन के बारे में सिखाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मैं फर्स्ट कॉमेंट को पिक करते हैं। ये लिख रहे हैं कि इनका नाम है डिजाइन विथ क्रिएटिविटी, यानी कि ये डिजाइन से जो है कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा इनका जो है नेम रखे हुए हैं। तो ये लिख रहे हैं कि सर कोट का जो कॉलर में बुकरम दूसरा होता है या जो मेन में हम जो चिपकाते हैं इसमें वही उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए आप जब जाइएगा जहां से मेटेरियल मिलता है वहां पे जाइएगा और बोलिएगा मुझे एक कोट का जो है मेटेरियल चाहिए, उसका फुल मेटेरियल दे देगा वो, और पूछ लीजिएगा उसी से ये कहाँ पे यूज होता है। अगर अगर उस दुकानदार को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। करना क्या है कि आपको जो बुकरम देगा एक इसमें चिपकाने के लिए ब्लैक देगा, काला काला टाइप का होगा, उसमें रोमा भी होगा, तो उसको जो है मेन पलाई में चिपका लेते हैं। उसके बाद जो है ये जो है ये फेस है, ठीक है। तो ये फेस में क्या करना है कि जो नॉर्मल कपड़ा आता है धोती जो पेस्टिंग देता है लोग, उससे हल्का मोटा होता है, उसको चिपका देंगे ताकि इसको हम इस तरीके से फोल्ड करें तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे। अगर आपको कॉलर का कपड़ा नहीं मिले, सिर्फ इसमें चिपकाने वाला से ही कोट बनाना है तो उससे भी आप बना सकते हैं। उसमें जो है ये फेस में भी चिपका सकते हैं, इसमें भी मेन पला में भी चिपका सकते हैं और कॉलर में भी चिपका सकते हैं। तो कॉलर में जो है सीधे वाला जो पला है इस साइड भी चिपकाएंगे और इस साइड भी चिपकाएंगे, दोनों में चिपकाएंगे, क्योंकि दोनों पल्ला जो है दिखाई देता है और दोनों जो है अंदर और बाहर दोनों का फ्रेश होना चाहिए। डीपली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखकर सीख सकते हैं। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये है मिस्टर फरहान, ओ सॉरी, ये है मिस्टर फरमान। ये बोल रहे हैं कि सर दुकान पे काम करने वाले लोग क्या बुटीक में काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास नॉलेज है तो आप बुटीक में नहीं कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बुटीक भी खोल सकते हैं, दुकान भी खोल सकते हैं, कंपनी भी खोल सकते हैं। ये आपका सोच के ऊपर और आपका जुनून के ऊपर जो है फील करता है कि आप कैसा सोच रखते हैं, कैसा आपके पास जुनून है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। बुटीक में क्या है, बुटीक में भी सेम वही काम होता है। अगर आप दुकान को भी जो दुकान का नाम रखें उसके लिए बुटीक लगा देंगे तो वो भी बुटीक हो जाएगा। मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि जो आप जैसे दुकान हो गया तो ये ओल्ड नाम हो गया और बुटीक हो गया तो अपना जो है खुद का बुटीक एक स्टैंडर्ड नाम हो गया, वो अंग्रेजी टाइप का हो गया, हिंदी में हो गया, यानी कि नए जनरेशन में देखा जाए तो ये बुटीक आ गया, ठीक है। बुटीक में होता है क्या है कि सिलाई वही लोग करते हैं, बस कपड़ा रख लेते हैं, तो वो कपड़ा अपने दुकान में भी रख लेंगे तो आपको भी जो है साइड इनकम शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको जो है आंसर मिल गया होगा मिस्टर फरमान। दोस्तों हमने जो है एक वीडियो बनाया हुआ था कि अपने टेलरिंग दुकान को जो है ऑनलाइन कमा सकते हैं, ऑनलाइन जो है बिजनेस कर सकते हैं, तो मैं खुद अभी उस प्रोसेस में हूँ। मैं उसमें जो है बहुत ही जोश जुनून के साथ उसमें हाथ अभी स्टार्ट किया हूँ, शुरू करने के लिए कैसे GST लेना होगा, कैसे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये चीज जो है अभी खुद मैं नहीं किया हूँ, बट आप सभी को जो है बहुत जल्द ही मैं बताऊंगा और उस चीज को जब मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं डीपली आप सभी को बता दूंगा। अभी जो है फिलहाल इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं अभी नॉलेज लेना शुरू किया हूँ क्योंकि मुझे अभी इस लाइन में आना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमेंट की ओर और इनका कॉमेंट जो है पिक करते हैं। इनका नाम है रंजनाता नायक। ये बोल रहे हैं कि सर प्लीज 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 शॉर्ट स्लीव्स कटिंग एंड हाउ इज मेजरमेंट्स टेक प्लीज टेल मी। इनका कहने का मतलब है कि सर शॉर्ट का जो स्लीव्स होता है उसको किस तरीके से मेजरमेंट ले और किस तरीके से कटिंग करे, तो इसका वीडियो मैं डीपली बहुत ही अच्छे तरीके से आप पर्सनल डाल दिया हूँ, तो आप जाके वहां से देख सकते हो किस तरीके से कटिंग करते हैं और मार्किंग करते हैं स्लीव फिटिंग स्लीव्स का। और रही बात मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट में मैं डीपली बता दिया हूँ कि जहां से ये शोल्डर होता है
जहाँ से बाजू ढुलती है, जैसे कि मैं शॉर्ट कुर्ता पहना हूँ तो यहाँ से जैसे कि जहाँ ढुलना स्टार्ट हुआ वहाँ से बाजू का लंबाई नाप लेंगे। ये जो केहूनी है यहाँ पे भी नाप लेंगे, ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे कि यहाँ इतना कितना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद जो है कटिंग का मैं वीडियो डाल दिया हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हो। तो आई होप आपको भी आंसर मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, और ये देखते हैं, ये हैं सुनील भडवाल। ये बोल इनका कहना है कि सर अपने नेम का लेबल कहाँ से बनवाएं। तो मैं बता दूं कि अगर आपका ओल्ड दुकान होगा तो पहले तो कलकत्ता के और बहुत दूर के जो है उसका स्टाफ आता था, और जो है वो आपके दुकान का नाम ऑर्डर देंगे जितना वो बना के और भेज देता था, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा और कोरियर के द्वारा भेज देता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो है आप जो प्राइवेट स्कूल है और वो अपना बेल्ट का लेबल, टाई वगैरह जहाँ से बनवाते हैं, जहाँ से वो प्रिंट आउट करवाते हैं, बनवाते हैं पर्सनल अपना जो स्कूल का नाम लिखवाते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे एड्रेस लेकर वहाँ पे आप जा सकते हैं, या जो इंसान उनको देता है उनसे आप संपर्क करके अपना भी लेबल बनवा सकते हैं। या वैसा भी नहीं तो बहुत सारा जो है वेबसाइट अब उपलब्ध हो चुका है, वहाँ से बनवा सकते हैं। तो इसका जो है मैं अच्छे तरीके से ऑनलाइन कैसे ऑर्डर दे और कैसे बनवाएं, अगर ये इसका सुविधा होगा तो मैं खुद जो है नॉलेज लूंगा, फिर आप सभी को इसका पर्सनल वीडियो मैं बना दूंगा कि इंडिया में जो है कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हो ऑनलाइन। तो चलिए, इसका जो है अभी फुल जानकारी नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, बट जितना बताए हैं वहां से संपर्क करके आप बना सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये है बबलू कुमार, और ये बोल रहे हैं कि फुल पैंट कटिंग और स्टिचिंग प्रॉब्लम फेस, यानी कि फुल पैंट जो है कटिंग और स्टिचिंग करने के इनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो देखिए, आप जिस पर इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि मैं हो गया, आज और ऑनलाइन जो है सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिस पर इंटरेस्ट रखते हैं, उनका हर वीडियो को देखिए। आपको जो है पैंट का जो है जितना भी कटिंग का वीडियो है और उनका स्टिचिंग, उन्हीं का कटिंग का वीडियो और उन्हीं का स्टिचिंग का वीडियो आप देखिए, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमेंट की ओर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमेंट की ओर, और ये है विलेज रीडर, यानी कि इनका जो नाम रखना था वो था विलेज लीडर, यानी कि गांव का शेर। लीडर बोले तो शेर नहीं, वो नेता होता है, बट टाइटल इनका होना चाहिए। और ये लिख रहे हैं कि भैया आप बहुत अच्छे से बोलते हो, इनको मुझे जो है हाई नेक का कुर्ता सीखना है। हाई नेक बोले तो ये जैसे कि हाई नेक मैं पहना हूं, ये जो है हाई नेक जो है ये इनर है, तो इसी तरीके से जो है उनको खूब अभी फैल आ रहा है, बिल्कुल इससे फैल जो है कुर्ता में आ रहा है, बहुत ही ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग टॉपिक है वो। तो इस पे जो है बहुत ही जल्द अगर किसी का ऑर्डर आ गया तो बना देंगे, नहीं तो अपना पर्सनल बनाएंगे, बहुत ही डीपली अच्छी तरीके से आपको सभी को जो है सिखाएंगे। तो चलिए, इसके लिए जो है थोड़ा वेट करना होगा आप सभी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, और ये जो कमेंट है ये है सजाद आलम का। ये बोल रहे हैं कि जब हम पैंट का कमर जोड़ते हैं तो मेरा कमर जो है ज्यादा हो जाता है, ये हर पैंट में होता है, और उसको जो है मुझे फिर से, यानी कि फिर से दोबारा में जब वो रिटर्न आता है तो वो जो है रिपेयरिंग करके उनको देते हैं, तब जाके फिट होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है जब आप मेजरमेंट करें, तो कस्टमर से ये पूछ लिया कीजिए कि सर आप कहाँ से पैंट पहनोगे, ओके? तो वो जहाँ से बताएगा, अगर वो बेल्ट लगा रखा है तो उस बेल्ट को निकाल लेना है, बोल दीजिए कि बेल्ट को सर निकाल लीजिए, उसके बाद जो है आप मेजरमेंट लीजिए कमर को, बिल्कुल फिक्स, उसमें उंगली नहीं डालना है, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट लेना है, और जहां पे पहने वहीं पे मेजरमेंट लेना है, और उनको बोलना है कि हल्का पेट को जो है आप हल्का डंप कीजिए, हल्का फुलाइए, अगर फुलाए तो किसी किसी के जो है हल्का अंतर आता है और किसी का कोई अंतर नहीं आता है, पेट फुलाने के बाद भी किसी का नहीं फूलता है। तो ये इस फॉर्मूला को आप यूज करें, और जब आप स्टिचिंग करें, ये मुझे मेजरमेंट करने का तरीका बताया हूँ, और स्टिचिंग ऐसा मेजरमेंट करते होंगे, हो सकता होगा स्टिचिंग में हम बढ़ा देते होंगे, तो इसका भी जो है मैं बताया हूँ कि जो हिप कैसे स्टिचिंग करें, हिप
तो उसका वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ से फोल्ड होता है फ्लाई, जो फ्लाई फोल्ड होकर उस पर सिलाई चलता है, तो जहाँ से होता है वहाँ से मेजरमेंट करके एक पाले में वहाँ जितना कमर है, जैसे कि 34 है तो 17 आएगा, तो 17 पे हम मरका लगा देंगे। उसके बाद जिसमें चैन लगता है, जिसमें बैक पॉकेट बनता है, उसका मेजरमेंट कहाँ से लेना है, जहाँ पे मेरा फर्स्ट चैन लगा हुआ है उसके ऊपर से, उसके ऊपर से एक सूत छोड़कर वहां से मेजरमेंट लेंगे, फिर मुझे जहाँ 17 पुट जाए वहां पे मरका लगा लेंगे चकमिकी का, और दोनों पैर को जो है एक में करके और दोनों मार्का को एक साथ मिलाकर पहले जो है कमर का स्टिचिंग कर देंगे, उसके बाद जो है फ्लाई का काम करते हुए बिल्कुल हाइडन का जो है मार्का के हिसाब से अपना स्टिचिंग करेंगे, तो आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं पता है तो आप मेरे पैंट का कटिंग वीडियो और पैंट का फुल स्टिचिंग वीडियो आप देख सकते हैं, जो मेरे पास मेरे चैनल में उपलब्ध है, वहां से आपको अच्छा जानकारी मिल जाएगा, फिर ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। तो अगला जो कमेंट है वो नेपाल से आया हुआ है और ये बोल रहे हैं, इनका नाम है नवीन ठाकेल, ये बोल रहे हैं कि सर मुझे मेरे को सिलाई सीखना है फ्रॉम नेपाल। तो देखिए आजकल जो है सिलाई सीखने का जो फॉर्मूला है, आपके नज़दीकी कोई टेलर है वहाँ पे अगर आपके पास समय है तो वहाँ जाकर सीख सकते हैं, अन्यथा आपके पास समय नहीं है तो डेली नाइट में जो है आप जो चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में पहले उस वीडियोज को देखिए। सबसे पहले तो है आप पहले इंची टेप के बारे में समझिए, तो सर्च मारिए कि इंची टेप मेजरमेंट समझ, तो इंची टेप के बारे में मिल जाएगा। मेरे चैनल में आपको बता देता हर चीज़ का वीडियो है, मेजरमेंट के ऊपर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। पहले सबसे पहले इंची टेप का जानकारी लीजिए, तो इंची टेप का जानकारी जो है पर्सनल मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और फिर जो है मेजरमेंट कोई चीज़ का जो है मेजरमेंट के बारे में समझिए, उसके बाद जो है उसका कटिंग का वीडियो है तो बहुत ही डीपली से आप एक बार नहीं 10 बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। वैसे नहीं समझ में आएगा तो कटिंग करना है तो सामने रख दीजिए मोबाइल को, उसको देखिए और मार्का लगाइए और कट कीजिए, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट जो कमेंट है वह है सुनील कुमार जी किए हैं और उनको कहना है कि बोलते रहा कीजिए भाई जान, आपका आवाज बहुत ही मीठा है, अच्छा से समझाते हैं और अच्छा से जानकारी देते हैं। तो आई होप आप सभी का जो है खुशी है और हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा आवाज़ जो है आप सभी को अच्छा लगता होगा। तो मैं बता दूं ये भी बात कि हर किसी का आवाज़ हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग चुका है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। देखिए एक इंसान हर इंसान को खुश नहीं रख सकता है, हम जानकारी देते हैं, जो मेरे पास जानकारी है मैं वही जानकारी देता हूं और इससे ज़्यादा बहुत अच्छा अच्छा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी खुद सीखता हूं, ये नहीं कि मेरा दुकान हो गया, मैं शॉर्ट पैंट सिल लिया, कोट सिल लिया, तो मैं बहुत बड़ा नॉलेजेबल हूं, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। नहीं दोस्त, इस दुनिया में जितना सीखो कम है, तो मैं आई होप आशा करता हूं कि मैं बहुत अच्छा अच्छा जानकारी सीखा करूंगा और आप सभी को जो है सिखाया करूंगा। और जहाँ पे आप सभी को फोल्ड लगे तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को जो उस डाउट को क्लियर करूंगा। अब जो है कमेंट का रिप्लाई की वीडियो आता रहेगा, कोशिश करूंगा लाइव भी आने के लिए, क्योंकि मेरे घर में जो है अभी नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है ठंडी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में अच्छा खासा रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आप अगर आप लोग के पास भी होता होगा ठंडी के मौसम में नेटवर्क कम होता होगा, गर्मी में ज़्यादा रहता है, पता नहीं ये क्या सिलसिला है। तो आई होप कोशिश करूंगा कि लाइव आकर जो है आप सभी को कमेंट का रिप्लाई दे दे दुकान पे ही, और लाइव आने का जो डिसाइड होगा वो होगा 7-8 के करीब में मैं लाइव आऊंगा संडे को ही, और ये संडे को वीडियो शूट हो रहा है, आपको मंडे को संडे को ही अभी कोशिश करूंगा डाल दूं। तो चलिए आप लोग हमेशा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें।